कर्नाटक में पिछले कई दिनों से हिजाब विवाद चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी आंच अब बॉलीवुड में भी दिखने लगी है। विवाद बढ़ने पर बॉलीवुड सेलेब्स ट्विटर पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी मामले पर गीतकार जावेद अख्तर, एक्टर ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद कंगना रनौत ने भी अपना रिएक्शन दिया और हिजाब का समर्थन करने वालों के लिए सलाह दी थी, जिसके बाद उनके इस रिएक्शन पर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने रिएक्ट किया है। दरअसल हाल ही में जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए इस मामले पर कहा था, मैं कभी भी हिजाब या बुर्का के समर्थन में नहीं रहा हूँ, मैं अब भी उस पर कायम हूँ, लेकिन साथ ही मेरे पर इन गुंडों की भीड़ के लिए अवमानना के अलावा और कुछ नहीं है जो लड़कियों को डराने धमकाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उनके हिसाब से मर्दानगी है? ये अफसोसजनक है। वहीं कंगना रनौत जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बाद उनसे भिड़ गई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लेखक आनंद रंगनाथन के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। पहली तस्वीर साल 1973 में ईरान की महिलाओं की जो कम कपड़ों में नजर आ रही हैं और दूसरी अब की जिसमें महिलाएं बुर्का पहनकर नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखो। कंगना के इस पोस्ट को शेयर करते हुए अभिनेत्री शबाना आजमी ने लिखा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए, लेकिन अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है और जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो पाया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कर्नाटक में कई दिनों से स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच कर्नाटक के एक कॉलेज का वीडियो सामने आया था जिसमें एक लड़की कॉलेज में हिजाब पहनकर अंदर प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। इस लड़की को देख पीछे से छात्रों की भीड़ उसकी ओर बढ़ती है और लड़की के सामने आकर जय श्री राम के नारे लगाती है, जिसके बाद लड़की भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाकर जवाब देती हुई दिखाई देती है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा दिया है। देश की शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर गरमाए विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद कर्नाटक सरकार ने 14 फरवरी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाई स्कूलों को खोल दिया है, जबकि स्कूल खोले जाने के बाद डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने पर फैसला किया जाएगा। इसी के साथ कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद प्रकरण में फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर पाबंदी भी लगा दी है।